जी लेक्चर नंबर 69। अच्छा जी होमवर्क वाला सवाल निकालें कल वाला पेज 628। भाई कितने लोगों ने किया होमवर्क? वेल डन, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा पेज 628 जो कल हमने नई एडजस्टमेंट पढ़ी थी उसको पढ़ना सीखें। आपस के रिसीवेबल और पेएबल, इसको जरा मैं थोड़ा चेंज कराऊं। पढ़े आप क्या बना फिक्रा? ना अभी ना बांटो, अभी ना बांटो। रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस, बस रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस कितना? 1000। रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस डन। पेएबल इन बुक्स ऑफ पी, थोड़ा सा आसान फिक्र महसूस करें ये चेंजिंग के बाद, थोड़ा सा आसान फिक्र महसूस करें। पेएबल इन बुक्स ऑफ पी, पहला तो मैंने आपको ये रूल बता दिया भाईजन, पेपर में एज पर को आपने इन लिख लिया करना है, थोड़ी सी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये पहला मैंने रूल बता दिया, एज पर को आपने इन लिख लिया करना है। अब जरा फिक्रे दोनों पढ़ लें माशाल्लाह। रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस, यानी एस के रिसीवेबल में कोई मसला है 1000 रुपए का। पेबल इन बुक्स ऑफ पी, यानी के इसमें कोई मसला है कितने का? 800 का। लेकिन इंग्लिश प्रॉपर पढ़ लेते हैं, आप प्रॉपर पढ़ लेते हैं। रिसीवेबल फ्रॉम पी इन बुक्स ऑफ एस, रिसीवेबल फ्रॉम पी इन बुक्स ऑफ, किताबों में किसकी जाने? एस की, एस की, एस की किताबों में जाने। और किससे पैसे लेने हैं? पी से। तो एस की किताबों में जाकर ट्री बनाना है 1000 का। पेबल टू एस इन बुक्स ऑफ पी, बुक्स में किसकी जाने? पी की। ये फिक्र ना समझने वाला होता है, बुक्स में पी की जाने, और पी की बुक्स में जाकर क्या ढूंढने? पेबल, पेबल, और वो पेबल एस को होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेबल टू, टू, टू का असल में कोई टेंशन नहीं होती, टू या फ्रॉम की टेंशन हमें होनी नहीं चाहिए, असल में पता होना चाहिए किसकी बुक्स में है। रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस एंड पेबल इन बुक्स ऑफ पी, ये असल में बात थी। और डिफरेंस इज ड्यू टू 200 रुपए की पेमेंट की थी बाय इशूइंग अ चेक, हाउएवर द चेक वॉज रिसीव्ड बाय एस आफ्टर हियर एंड, लेकिन उसे चेक साल के बाद मिला है। अच्छा वैसे एक चीज मुझे बता दें कि पेमेंट किसने की है? पी ने। तो पी की लाइबिलिटीज कम हो गई होंगी, पी की लाइबिलिटीज कम हो गई होंगी, लेकिन जिसको मिले नहीं उसके रिसीवेबल ज्यादा होंगे। ये देखें पी की बुक्स में लाइबिलिटीज कम हुई है और रिसीवेबल इन बुक्स ऑफ एस ज्यादा है। ये मैंने कहा था लॉजिकली भी चीज को सोचा करें। तो ये जिसमें कितने लोगों ने कर ली थी घर में? आपने होमवर्क नहीं किया? अच्छा अब एंट्री क्या बनेगी? कल छुट्टी की थी, कल आए थे। डेटर क्रेडिट कितने से? 800 से। नहीं नहीं, डेटर तो 1000 से ना, डेटर क्रेडिट 1000 से। और क्रेडिटर डेबिट और बैलेंसिंग कितना? 200 ना। नहीं नहीं यार, देखो आने वाले दिनों में कुछ सवाल आने हैं, सोचना तो पड़ेगा। इतना ना सोचने वाली बात नहीं है, इंग्लिश को समझना जरूरी है। और इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो मेरे से जरूर पूछो। एक मैंने आपको काम किया आसान, एस पर को क्या कर दिया करें? इन रिसीवेबल इन, नहीं इन बुक्स ऑफ एस। तो एस के डेटर में देख लें, पेबल इन बुक्स ऑफ पी, टू एस फ्रॉम पी, ये जरा काट के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी ज्यादा आसान रहेगी। डन। चलें जी भाई, आप तशरीफ ले आए। हाँ जी आप आ जाए। ये ना भाई ने ऐसे ही जरा अपना फीडबैक दिया था मुझे FAR 2 का पास होने का, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा जरा शेयर कर लूं। जी थोड़ा इधर हो जाए क्योंकि ये वाला माइक भी यूज होगा। नहीं मैंने भी तो पूछ लेना सवाल, चलो बस इधर हो जाओ थोड़ा सा। ओके अच्छा मोहतरम, पहली अटेम्प्ट में क्या मसला बना था? जल्दी करना है, तो 2 मिनट है तेरे पास, पहली और दूसरी टाइम के लिए 3 मिनट। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक्चुअली मैंने सर से ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो घर में बैठ के डेली लेक्चर लेना और उसको छोड़ देना, होमवर्क ना करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था, और क्लासेस शुरू की थी तकरीबन सर की क्लासेस से कोई 20-25 लेक्चर डिले था, लैग कर रहा था तकरीबन 20-25 लेक्चर्स। तो इसी तरह ये चलता रहा, एंड में फिर ऐसा हुआ कि 2-2 लेक्चर्स लेने पड़े। लेक्चर तो ले रहा था डेली,
लेकिन उसके अंदर होमवर्क नहीं करा था। और ऐसा नहीं है कि होमवर्क ना करे और एंड के अंदर जाके ना जो टाइम बचे उसके अंदर कवर सारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं उसका होमवर्क उसी वक्त कर लें, तो जो चीज़ें क्लास में सीखी हैं ना तो वो उसी वक्त आपको जो है ना रिमाइंड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे ना तो आखिरी 1 महीने के अंदर वो होमवर्क भी करना और क्लास वर्क जो होते हैं वो पास पेपर से मोस्टली होते हैं वो करना, वो प्रैक्टिस इनफ नहीं होती है। अच्छा, पेपर में कितने मार्क्स आए पहली दफा? 38 मार्क्स है पहली दफा। क्या वजह क्या बनी थी? पहले पता था पहले ही पेपर? पता था कि एक तो पेपर पूरा नहीं हुआ था, प्रैक्टिस कम की वजह से 80 मार्क्स का या 75 का हुआ था, तो जो हुआ था वो भी इतना भाई नहीं इधर था कि डिटी ब्रेंस आ रहे पास हैं। हो सके। तो अच्छा जी, आगे चलें। सेकंड सेकेंड टाइम यह है कि फिर वही, टाइम क्लासें ली? सेकेंड टाइम भी क्लासें ली लेकिन कोस्ट का पेपर भी साथ था और FAR2 का अब ये पेपर सेकंड टाइम वाली बातें आपने गौर से सुनी? था। सेकेंड टाइम एक्चुअली सेकेंड टाइम कोर्स के पेपर को मैं 6 से 7 घंटे देता था, उसके अंदर एक दो लेक्चर लेने उसी तरह, लेकिन उसका होमवर्क साथ साथ करना होता था। उसके अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, यहाँ तो होता है ना 1.5 घंटे की क्लास है या आपने लेके चले गए, जो ऑनलाइन की क्लास है ना वो कभी भी 1.5 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में ख़त्म नहीं होती है, वो 1.5 घंटे की क्लास कम से कम 3 घंटे चल लग जाते हैं आपके। क्यों लग जाते हैं? इधर तो वही है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि बार बार स्टॉप करके हमने जो सर ने कहा होता है वो सुनना होता है। एक दफ़ा फ़ोन यूज़ हाँ, करते लेकिन हैं, दोबारा ना करो ना रिवाइंड, जब सारी इसी तरह सुन रही हैं तो। अच्छा चलो, एक दफ़ा फ़ोन यूज़ करते हैं, हम ये सोचते हैं ना कि यार मैं बातें तो सर की सुन रहा हूँ, लेकिन जब आप फ़ोन छोड़ के दोबारा टॉपिक पे आते हैं ना आपको तो लगता है यार बातें तो मैंने सुनी थी, वो मुझे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया। अच्छा इसी वजह से हो रहा होता है, वो फोन यूज कर रहे होते ठीक हैं, है। बातें माइंड में जा रही होती हैं, अच्छा, कॉन्सेप्ट नहीं आप बिल्ड हो रहा उसमें फिर होता। आपने किन टॉपिक्स को, अच्छा तो पेपर का थोड़ा मैं पैटर्न बता दूं। पेपर में जो पहले कोई 4-5 सवाल आते हैं वो 8-8 नंबर वाले आते हैं, फिर जिस तरह अटेम्प्ट टेस्ट में आपने देखा था, और फिर जो एक सवाल आता है वो एमसीक्यूज का आता है, और फिर उसके बाद 3 सवाल आते हैं 15 से 18 नंबर वाले। इस तरह पेपर का पैटर्न होता है, 2 या 3 सवाल आते हैं। अच्छा इस तरह जैसे सर ने पैटर्न बताया, फिर मैं ना तैयारी करते वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैंने पेपर में कौन कौन से पेपर क्वेश्चंस पे ग्रिप करनी है टॉपिक्स में। टॉपिक्स पे, तो वो था आई लीजिस का सवाल था जो कि 15 से लेकर 20 मार्क्स का होता है, और कंसोलिडेशन का सवाल था और IAS 12 का सवाल था। भाई के मुताबिक 3 सवाल हर अटेम्प्ट में आ जाते हैं, ये इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये 3 सवाल आप हर पास पेपर के अंदर जो है ना उठा के देखेंगे तो ये मिलेंगे। लीजिस का सवाल कम से कम 11 मार्क्स और मैक्सिमम 15 से शुरू होकर 18 तक चला जाता है और ये आ जाता है। तो ये 3 सवाल जो है ना किसी भी पेपर में देखेंगे ऑलमोस्ट 50 मार्क्स कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, खैर सर, लेकिन यानी कि गारंटी नहीं है लेकिन आ जाते हैं अक्सर। सही कह रहे हैं, पास पेपर एनालिसिस आ रहे हैं करें, आई एफ आर एस मार्क्स 16 आई आते एस 12 का हैं, सवाल हर दफा आ रहा है, कभी आई एस 38 का भी आ सकता है, फिर 15 से 16 नंबर का। लेकिन ये इन्होंने एक सही बात की है, अक्सर आ रहा है। कंसोलिडेशन फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे कि आपने सारे टॉपिक्स को फारक किया? तो एक्चुअली भाई एक मैंने कहा मिनट, बात तो सुनिए। 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे फुल फ्लेज ग्रिप पे हैं, वो ग्रिप ऐसे हुई थी कि सारे लेक्चर्स लेने के बाद एक एक सिटिंग के अंदर मैंने उनको एनालिसिस किया था, एक सवाल का दूसरे के साथ कि एक एडजस्टमेंट का दूसरे एडजस्टमेंट के साथ डिफरेंस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। यानी एक सिटिंग में इन्होंने बैठ के वो सारे टॉपिक के सवाल किए, सारे टॉपिक के सवाल करने के बाद एक सिटिंग में ये इस नतीजे पे पहुंचे कि फलां सवाल में ये एडजस्टमेंट इस तरह हुई है तो इस सवाल में ये एडजस्टमेंट किस तरह होगी। तो उसमें पूरे टॉपिक के पास पेपर रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगता है? IFRS 16 यानी आपने पूरा रिवाइज करना है तो कितना टाइम लग गया आपको? IFRS 16 एक तो है कि आपने क्लासेस साथ साथ लेके जब आखिरी महीने के अंदर बैठे हैं ना तैयारी करने खुद से, तो उसको आपके 4 दिन लगेंगे जिसके अंदर आप एक दफ़ा सारे पास पेपर्स रिवाइज करेंगे, उसी के अंदर आपने एनालिसिस भी करना है कि ये सारी एडजस्टमेंट्स यदि वगैरह चार ये दिन हैं। IFRS 16 के लिए तो ज्यादा हो जाएंगे, तो पूरी 3 दिन लगाने, लेकिन आप 3 दिन से मुराद पूरा IFRS 16 टॉपिक्स भी IFRS 16 3 दिन से मुराद ये नहीं है, आपके पास R2 के अलावा कोर्स या ऑडिट भी हो अच्छा, सकता है। मतलब ये कि दिन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया और IFRS 16 को फिर इस तरह फॉर करेंगे। ठीक एग्जाम्पल है, सुबह 9 बजे पढ़ने बैठे हैं, मैं जैसे 9 बजे अगर पढ़ने बैठूं तो मैं 3 बजे तक जो है ना FAR2 को पढ़ूंगा, मतलब कि 3 दिन जिसको मैंने कि ये मैंने टॉपिक फुल फ्लेज कवर करना है। ठीक है, अब जब पेपर आया तो पेपर तो में पेपर के अंदर ये 3 सवाल थे, 3 टॉपिक इनके अच्छे तैयार थे। जी दूसरी दफा भी इन्होंने रिस्क लिया और सारे टॉपिक नहीं करके गए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे कोई टॉपिक तैयार नहीं था, ऐसा था कि IFRS 15 मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो मैंने सर को बताया सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, सर ने कहा आप क्लासेस ले लो यूट्यूब पे पढ़ी है, मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। वो मैंने लेके दो है ना 10 दिन लगे थे मुझे, लेकिन उसके मैंने सारा तैयार कर लिया, मैंने कहा ठीक है। मैंने फाइनल काउंट नहीं तैयार किया था लेकिन मैंने उसके 2 सवाल तैयार कर लिए थे, ये 2 सवाल बस मैंने नहीं किया था, उसके अलावा मेरा फुल फ्लेज जितने भी 10-12 टॉपिक है सारे फुल फ्लेज क्लियर। पेपर आया तो लेकिन कुछ मैंने ये सोचा था कि मैंने 3 सवाल करने हैं। आपने इन्होंने सोचा हुआ था पहले से 3 सवाल करने हैं? मैंने MCQ जो ग्रेस पीरियड में हो जाते हैं पहले रीडिंग टाइम में 15 मिनट में, MCQ में कितने मार्क्स आ जाते हैं वैसे? मिनिमम 7 से 8 तो हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो वो करके जो जब मैंने पहला सवाल पढ़ा वो IFRIC 1 का सवाल था, वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो हो जाने वाला सवाल है पहले ये कर लो, 8 नंबर का सवाल था वो मैंने पहले ही कर लिया, वो 8-7 मिनट लगे थे। उसके बाद मैंने क्या जो मैंने करना वो करूँ, सबसे पहले लीजिस का सवाल किया वो फुल फ्लेज कर लिया, मैंने कहा 12 का था उतने आ जाएंगे, IAS 12 का सवाल शुरू किया वो 18 नंबर का था, उसके बाद वो करके मैंने कहा इसके अंदर से 15 आ जाएंगे। फिर कंसोलिडेशन का सवाल शुरू किया वो भी तकरीबन 45-50 मिनट्स लगाए उसके ऊपर, SOCI बनानी थी तो उसके अंदर वो भी 18 का था,
वो फुल फ्लेज सवाल के, बाकी बचे 30 मिनट्स पेपर मेरा, बाकी 30 मिनट बाद के बाकी सारे सवालों के लिए, बाकी सारे सवालों के लिए मैंने अच्छा। जो कर लिया वो इतना है कि 50 तो क्रॉस हो चुका है ना अभी अच्छा। छोड़ दो तो रिस्क है लेकिन यहाँ से यानी ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि एमसीक्यू तो 3 सवाल करके पेपर दे के चले जाते तो पास। अच्छा तो मैंने कहा नहीं आगे कर लेते हैं। फिर एक 10 नंबर का सवाल वो था नेट प्रॉफिट एडजस्ट करना, तो पहली दफे कभी सवाल आया था इस तरह वो था IAS 38 का सवाल था, बस ये 2 सवाल किए बाकी 25 का छोड़ गया था। 25 का छोड़ा है। अच्छा इस दफा क्या रिजल्ट आया? इस दफा तो पास है ना, पास हो गया। तो आप इनको जाते जाते क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये दूंगा अभी तक अगर किसी ने होमवर्क साथ साथ नहीं किया पीछे का तो उसको पीछे से नहीं करना शुरू कर देना। जो अभी क्लास में चल रहा है ना जैसे कंसोलिडेशन का सवाल है, ये आप साथ साथ होमवर्क करें और ये जब खत्म हो इसके बाद 2 से 3 दिन लगा के उसके ऊपर एनालिसिस करके इसको एंड कर दें। तो आपने जो जो है ना पास पेपर के कंसोलिडेशन प्लस एसोसिएट्स मिलके जो सवाल आता है हमेशा, अगला टॉपिक है एसोसिएट, ठीक है मिलके इसके सवाल जो है ना तकरीबन अभी तक पास पेपर में 6 सवाल मौजूद होंगे मेरी तरफ, 5 4 5 से, तो वो जो है ना वो आपको तकरीबन एक एक सवाल को करते 2 2 3 3 घंटे भी लगेंगे। लेकिन एनालिसिस जब आप करेंगे ना एक सवाल का दूसरे के साथ तो आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है? तो आपने वो करना जरूर है। इससे ये होगा कि आपके वो जो आप 5 सवाल करोगे ना तो आप अगला कोई भी सवाल देखोगे ना वो आपका 90% कवर हो रहा होगा। ठीक है जरा कर लो। चले जी शुक्रिया भाई, क्वेश्चन नंबर 9-10 पे आ जाए। द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पर्टेन्स टू अल्फा लिमिटेड एंड सब्सिडियरी डेल्टा लिमिटेड। जल्दी से फिगर्स पोस्ट कर लें फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉस्ट का कोई बचा बुलाओ, क्या मतलब ये? अच्छा जी ये कॉस्ट इससे मैंने पूछा नहीं, इसका पास, हाँ इसका तो एक रहेगा सिर्फ ऑडिट, ये भाई ऑडिट में बैठे होते हैं आपके साथ ही। पीपी बता दें जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वगैरह खुद लिख लीजिएगा। 460 और इन्वेस्टमेंट्स 2 मिलियन शेयर आपने खरीदे हुए हैं सब्सिडरी के, तो 2 मिलियन का मतलब है 2.5। ये जो मैंने भाई ने कहा ना 2 से 3 घंटे एक सवाल पे लगेंगे जब पास पेपर के सवालों पे आएंगे, तो वो आप इशू को अभी से एड्रेस करना शुरू कर दें, होमवर्क जरा जल्दी किया करें जिस वजह से आपका फिर ये टाइम जरा कम हो सकता है। 2.5 मिलियन शेयर्स ऑफ 100 ईच, क्योंकि ना ये 250 मिलियन है तो 250 मिलियन रुपए को जब 100 रुपए पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे 100 रुपए के। चलिए जी इन्वेस्टमेंट 340, कितनी है जी आगे बोलेंगे? अच्छा लोन वर्किंग ये जो 340 है इसमें कुछ भी नहीं है, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसने, क्या चीज क्या मतलब? ओहो पता नहीं किन चक्रों में पड़े हैं इन लोगों को, रहने दे बस आप। इस तरह तो मैंने कभी क्लास में जो है नहीं, ये पता नहीं किस साइड में निकल गए, लीव देम छोड़ो छोड़ो बस आप लोग जी। 250 मिलियन क्या है? पहली दफा तो नहीं कंपनी बनी ना, तो चली हुई कंपनी के शेयर खरीदे हैं। अच्छा जी 250 मिलियन कैक्स सरमाया किसका? सब्सिडरी का, तो 100 रुपए का एक शेयर है तो टोटल शेयर सब्सिडरी के 2.5 में से हमने कितने खरीद लिए? 2 मिलियन, तो 2 डिवाइडेड बाय 2.5 कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए? 80% शेयर हमने बाय किए हुए हैं। बहरहाल इन फिगर्स को ऐसे उठा के हम वर्किंग में ले जाते हैं। अच्छा 30 और 0 लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू सब्सिडरी, इसको पेपर में आसान करने के लिए क्या लिखा करेंगे? भाई जो लोन एसेट साइड पे आ रहा हो ना उसको पेपर में आसान करने के लिए लिखा करेंगे लोन रिसीवेबल, कितना? 30। अभी किसको किसका है वो छोड़ें, सिर्फ मुझे ये लिखवा दें लोन रिसीवेबल कितना है, आपस की कैंसिलेशंस की टेंशन ना लें। 30 आगे चलें, करंट एसेट्स 590 400 आगे चलें, शेयर कैपिटल 600 और 2 आगे चलें रिटेन्ड अर्निंग्स। आज वो कैपिटल रिजर्व तो नहीं है? सी जी सीआरई कितनी है? पीआरई 325 और ये
अच्छा ये ना क्लोजिंग फिगर होती है, इसको ना आज के बाद क्लोजिंग लिखना शुरू कर दें, यानी बैलेंस शीट डेट वाली, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में कुछ एक दो चीजें आनी है तो पता होना चाहिए ये बैलेंस शीट उठानी है। आगे क्या है जी? लॉन्ग टर्म लोन, ये इधर अपनी आसानी के लिए ना पेपर में इधर लोन रिसीवेबल लिखा करें, उधर लोन पेएबल लिखा करें जी। प्लस 30 आगे चले, करंट लाइबिलिटीज 300 है, उधर ही रखो कैमरा। ये काम तो घर में आप 2 से 3 मिनट में कर लिया करें ताकि एडजस्टमेंट्स पे टाइम लगे। FR1 वाला कौन लोग पेपर 7 से 75 से 75 नंबर का करके आए और पास हो गए हैं? दो क्वेश्चन छोड़ के आए थे और जो किए थे वो सही तरह किए थे। एक पठान भाई मिले थे, मैंने आपको बताया था 56 मार्क्स का पेपर उन्होंने करके आए और पास हो गए। लेकिन ये रिस्क की बड़ी रिस्की अप्रोच होती है, आईकैप अक्सर इस अप्रोच को डिस्करेज करता है और आईकैप कहता है हर सवाल आधा करके आ जाओ, क्योंकि हर सवाल के शुरू वाले आधे मार्क्स आसान होते हैं, तो इसलिए हर सवाल अगर आप आधा करके आ जाओ वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। हर सवाल अगर आधा करोगे तो 50 मार्क्स आ जाएंगे ना, तो पास हो जाओगे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि MCQ 8 हो 8 आते हैं 4 करके आ जाएं। ओके चलिए जी आगे, कितने फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फिगर्स हमारी पोस्ट होगी। पी एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन DL ऑन जकम जुलाई 13, कितने साल पहले? हमारे साल के पहले दिन, एक साल पहले। हमारे साल के पहले दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी इस 85। इस साल डिविडेंड ने, इस साल सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया 85 का, नहीं इस और इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जारी बात है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सब्सिडरी ने डिविडेंड कोई पे किया है 2013 के डिविडेंड्स, 13 के फाइनल डिविडेंड। इधर 14 के सवाल में क्या कर रहे हैं? हम तो 14 का सवाल कर रहे हैं। ये डाटा क्यों दिया हुआ है? ये डाटा क्यों दिया हुआ है? वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने बोला है कि रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट की मिसिंग है। एक्सेलेंट, 4-5 लोगों ने बोला है कि रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट की मिसिंग है। वो रिटेन्ड अर्निंग इंशाल्लाह निकालने में हमें ये डेटा कर देगा। भाई नई बात होने लगी है, आप अभी लिखना बंद कर दो। तो मोहतरम आज हम एक वर्किंग डालने लगे हैं मार्केट में, नई वर्किंग 6। कौन सी वर्किंग? वर्किंग 6। वर्किंग नंबर 4 NCI है, वर्किंग 5 का इंशाल्लाह वेट करें, 2-3 दिन में आ जाएगी वो भी। वर्किंग नंबर 6 मिसिंग फिगर्स, मिसिंग फिगर्स। अच्छा मुझे बताएं 2014 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनेगी? 2014 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर मैं सिर्फ इसमें बनाना पसंद करूं रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, किस साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? 30/14 की। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपने बताना है ओपनिंग आएगा 1 जुलाई 13 का रिटेन्ड अर्निंग का, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी 30/14 की, इसमें प्रॉफिट 14 का आएगा और फाइनल डिविडेंड 13 का। कल जाते जाते क्लास ली थी। अच्छा तो इसमें डिविडेंड आएगा फाइनल किस साल का? 30/13 वाले साल का, 30/13 वाले साल का, 30/13 वाले साल का, यानी पिछले साल का। मैंने इधर खाली 13 लिखा तो आप कंफ्यूज ना हो जाते, 30/13 वाले साल का। और इसमें प्रॉफिट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साल का, किस साल का? 30/14 वाले साल का। तो 13 वाले साल का इसमें क्या आएगा? फाइनल डिविडेंड। और 14 वाले साल का क्या आएगा? प्रॉफिट। मुझे बताएं हमने सब्सिडी को खरीदा कब है? साल के एंड पे या साल के पहले दिन? साल के पहले दिन। तो ये जो प्री होनी है, प्री ये मुझे किस दिन की चाहिए? 1 जुलाई 13 की चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मेट कल आपसे डिस्कस हुआ था, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। और 14 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में 13 का फाइनल डिविडेंड आता है। ऐसा ही है।
अब इस डेटे से ये चार फिगर्स आप मुझे निकाल के दे दें। सवाल में तीन गिवन है, एक आपने निकालनी है, जल्दी करें। एक थोड़ा सा हिंट ले लें, एक फिगर बैलेंस शीट में भी है। नहीं, शेयर कैपिटल तो मुझे चाहिए ही नहीं। फॉर्मेट्स आपके बड़े पक्के होने चाहिए कि 14 का प्रॉफिट आएगा और 13 का डिविडेंड आएगा इसमें। चलें जी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी फॉर 14 इज 85। सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया 10% 13 के साल का। अगस्त 13 तो हमारा साल बन रहा है ना फिर, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड हमारे साल देंगे, तो हमारे साल दिया डिविडेंड। शेयर कैपिटल पे रेट लगना है डिविडेंड का, शेयर कैपिटल सब्सिडरी का पकड़े भाई जी, सब्सिडरी डिविडेंड बांट रही है तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल पकड़े। 250 into 10%। अच्छा, अब इन दोनों में से ना एक अर्निंग आपको गिवन होगी ताकि आप दूसरी निकाल सकें। इन दोनों में से आप कौन सी वाली अर्निंग गिवन है, ये मैं तीन चीजें हाईलाइट करने लगा हूं, देखें। सब्सिडरी की 30/14 की रिटेन्ड अर्निंग 230 है। अगर ये हाईलाइट की हुई चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो क्या मैं किसे कह सकता हूं सब्सिडरी की आ रही है क्लोजिंग? ये फिगर कितने लोगों ने उठा ली थी? ये असल फिगर थी, क्योंकि दूसरी तो रेडीली अवेलेबल थी। कितना आ गया? 230। अच्छा यार, रिवर्स चलने का तरीका जिंदगी में ये होता है, एक मिसाल दे रहा हूं यार, हाथ धोगे हर किस्म के। 10 - 2 = 3 11, ये सीधा मैं चलाऊ। उल्टा चलने का तरीका ये होगा, 11 में माइनस करूं 3 और जमा करूं 2। बस बड़ी बात बताई। अच्छा, 230 - 85 + 25 = 170। खरीदने की डेट बता दें क्या है? AL acquired investment on July 13। तो July 13 की आरी मिसिंग थी, वो मैंने निकाल ली। बड़ा रोला है आज तूने मोहतरम, बड़ा रोला है। रोला पता है, रोला से मतलब शोर नहीं होता, रोला से मतलब रोलना। बड़ा रोला है आज तूने। अच्छा, ये भाई जान, ये वर्किंग सिक्स टिश्यू की तरह हुआ करेगी, इस्तेमाल कर लिया टिश्यू को, अब फेंक दे वर्किंग सिक्स को, बस अब और किसी काम की नहीं, ये टिश्यू की तरह से यूज किया करेंगे अकेले में बैठ के, इसको फारिग कर दिया वर्किंग सिक्स को। ओके, अच्छा ये बड़ा जरूरी था, वो जो भाई आए थे थोड़ी देर पहले 6-7 मिनट के लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या क्या कमेंट्स बने और क्या क्या कंक्लूजन बने, वो जरा शेयर कर लें, कि कोई गलत ट्रैक पे ना चला गया हो। जल्दी जल्दी से हाथ खड़ा करके, एक मिनट, बंद आगा। अच्छा, सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर में जो 3 सवाल उन्होंने सोचे थे वो इत्तफाकन आ गए। अच्छा ठीक है, आप क्या सोचा? लेक्चर को रेगुलरली लेके होमवर्क डेली करना चाहिए। ठीक है, वेल डन। ठीक है, क्लास वर्क से होमवर्क दोनों होंगे तो बात काबू आएगी। एक्सेलेंट, ये सबसे अच्छी बात एक नजर आई, वन सिटिंग के अंदर पूरे टॉपिक के सवाल करके एनालाइज करेंगे कि किस सवाल में कौन सी एडजस्टमेंट को कैसे लेके चल रहा है, वहां से टॉपिक पे दे पाती है। भाई इसलिए जेब में पहुंचे कि एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन अच्छे हो जाए ना बंदे के, पूरे पेपर बात हो जाता है, बाकी सारे कमेंट। चले, ये इजी मार्क्स होते हैं, ये लिया करें। AL वैल्यूज NCI एट एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू विच वॉज ₹60 मिलियन। अच्छा, कल मैं ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का पास पेपर जरा सॉल्व करा था, तो उसको देखते हुए मैंने महसूस किया कि कंसोलिडेशन में पहली 2 एडजस्टमेंट्स में ना उसने बंदे को ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाया, पहली 2 एडजस्टमेंट्स में, लेकिन उसमें भी इजी मार्क्स कुछ दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एडजस्टमेंट ना ऐसे हलवा दिए हैं उसने कि बंदा का यार हद हो गई यार, ये तो मुझे एडजस्टमेंट देनी थी। अब बच्चे फिर करते क्या है, पहली 2 के अंदर इतना टाइम लगा देते हैं और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसके बाद पहली 2 के बाद वो क्या दे रहा था, इट इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट बेस, गुडविल इज इंपेयर्ड बाय इतने परसेंट, पेरेंट्स होल्ड टू सब्सिडरी, इतना इसी तरह की हलवा एडजस्टमेंट दे रहा था पहली 2 के बाद। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, आधे मार्क्स आप हर सवाल में ले सकते हैं। चुप। AL वैल्यूज NCI एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स भाईजन फेयर वैल्यू गिवन है।
फेयर वैल्यू गिवन है, तो जब फेयर वैल्यू गिवन हो तो इसलिए हमें को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एज इट इज लिख लें। वैसे ना कोई वर्किंग वन यहां लिखने की तुक नहीं बनती क्योंकि वर्कआउट नहीं की जाए, मैंने कहा बड़ी वर्कआउट की थी यार मेरी दी हुई फिगर, कोई तुक नहीं बनती वर्किंग वन यहां लिखने की, एज इट इज फेयर वैल्यू गिवन है। चलें जी आगे, तुक मलंगा पॉइंट नंबर थ्री। फिक्स्ड एसेट बेच रहे एक यॉर्कर आने लगा, फिक्स्ड एसेट बेच रहा है। चलें जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, ताजा ताजा तंदूर से अभी निकला, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा पहले मैं डेटा रिज्यूम करूंगा अपनी तरफ से लूंगा, फिर उसका सवाल के ऊपर अप्लाई करूंगा। पेरेंट फर्ज करें सेलर है और सब्सिडरी क्या है बाय, कंसोलिडेशन में जिस एतबार से जैसे सोचवाया जा रहा हो वैसे सोच रहे हैं, वरना इधर उधर सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे और माइंड में हो सकता है कुछ लॉजिकल चीजें आ रही हों लेकिन वो आपको गलत साइड पर लेके जा सकती हैं, तो जैसे सोचवाया जा रहा है वैसे सोच रहे हैं। पेरेंट के पास कोई एसेट पड़ा 200 रुपए का, इसने बीवी को कहा मैं तुझे 300 का बेचता हूँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बीवी को कहा मैं जो 300 का बेचता हूँ, यही एंट्री होती है ना डिस्पोजल की, लेकिन खरीदने की एंट्री होती है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और बेचने की एंट्री होती है कैश डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन बेचने की एंट्री में एक चीज भी बीच में आती है गेन लॉस, गेन लॉस जी, गेन लॉस बता दें कितना आया 100 का, किसने 200 वाली 300 में करके बेची, पेरेंट ने 200 वाली चीज 300 में करके बेची, सब्सिडरी की एंट्री करेगी एसेट डेबिट, वेल डन, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री किसकी बुक्स में होगी सेलर की और ये एंट्री बायर की बुक्स में होगी। अब ये एंट्रीज किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो चुकी होंगी सेपरेट, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आप एक एंट्री करेंगे, पेरेंट की किताबों में आपस की अदर इनकम पड़ी हुई है और सब्सिडरी की किताबों में 100 रुपए का महंगापन पड़ा हुआ है, एग्रीड और नॉट, सब्सिडरी की किताबों में 100 रुपए का महंगापन पड़ा हुआ है, अगर ये एसेट शोहर बीवी को ना बेचता फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन तो किताबों में कितने का नजर आता रहता 200 का, अभी महंगा बेचने की वजह से उसने 100 का गेन, एक बार याद रखें एडजस्टमेंट दोनों की किताबों में सेम अमाउंट से जाती है, फिर उसने 100 का गेन डाला हुआ है किताबों में और इसने प्राइस बढ़ा के 300 पे बुक की हुई है, यानी 200 पे तो डेप्रिशिएट होना ही चाहिए था, इसने प्राइस को बढ़ा के शूट अप करा के किस पे ले गया, तो वो 100 का गेन रिकॉर्ड किए बैठा है और सब्सिडरी 100 का महंगा एसेट रिकॉर्ड किए बैठी है। अब इन दोनों को उल्टवा दें, गेन को उल्टवाएं और एसेट की प्राइस को कम करवाएं, माशाल्लाह जनरल एंट्री सही करवाएंगे कंसोलिडेशन पर्पस के लिए जी। अदर इनकम डेबिट, वेल डन, अदर इनकम डेबिट कितने रुपए से 100 रुपए से और एसेट क्रेडिट 100 रुपए से, तो एसेट क्रेडिट 100 रुपए से, डेप्रिसिएशन भी इस पे आएगी वो मैं आपको बताता हूं, इस पे डेप्रिसिएशन आएगी, यहां तक नोट कर लें, ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम ये करेंगे। ओके बट वी विल पास दिस एंट्री नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैंने ग्रॉस पे एंट्री कर दी है, We will pass this entry net of depreciation. क्योंकि 100 रुपए ना डेप्रिशिएट भी वो कर चुका होगा कुछ जो महंगा पन है, तो we will pass this entry net of depreciation. ये तो लॉजिक पे बेस करा था, अब एग्जाम में आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने
ग्रॉस गेन पकड़ना है 100 रुपए का, ग्रॉस गेन पकड़ना है, ये मिला करेगा आपको डिस्पोजल का अकाउंट बना के पेपर में ना, डिस्पोजल का अकाउंट आपने बना लेना है। डिस्पोजल का अकाउंट सेलर की बुक्स में बनाइएगा जो बेचने वाले हैं। हमारी मिसाल में कौन बेच रहा है, मैंने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया या डिस्पोजल की जर्नल एंट्री की है, जर्नल एंट्री कर दें, अकाउंट बना दें, ग्रॉस गेन आपने वहां से निकालने, फिर आपने इसको नेट करने डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ये अकमोडेशन टाइप चीज होगी, ये होगी डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक, डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक। अगर हम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी नहीं, ये जो फिक्स की ट्रांजेक्शन होती है ना, ये जिस दिन सऊदी किंग होता है उस दिन नहीं होती, ये तो सऊदी किंग चला गया है, सऊदिया में बैठा हुआ है, ऐसी पीटीसीएल के ख्याल में आया कि मैं अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो बेच देती हूँ सब्सिडरी को, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है मैं सब्सिडरी को बेच देती हूँ, तो इसका सऊदी किंग शिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको वर्किंग वन में कभी नहीं लेके जाना, ये तो पेरेंट और सब्सिडरी की आपस की बात है। और इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन से नहीं, वो जो सरप्लस वाली एंट्री कल तक थी वो कब से कब तक थी, डेट ऑफ परचेज ऑफ सब्सिडरी से लेके कंसोलिडेशन डेट तक, लेकिन ये एंट्री होगी डेट ऑफ सेल से लेके कंसोलिडेशन डेट तक। अच्छा, ये 100 रुपए आ गया, इसमें से हम क्या नेट कर दिया करेंगे, डेप्रिसिएशन वट एवर इट मे बी, अगर डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया करेंगे। और इस 100 रुपए की अगर सेलर पी टू एस है तो इस 100 रुपए की एंट्री अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट करने की बजाय सीआरई डेबिट और पीपी वही एंट्री अदर इनकम डेबिट एस क्रेडिट, तो यह एंट्री कर देंगे, गेन को उल्टाएंगे क्योंकि गेन रिकॉर्ड हुआ है। और अगर एस टू पी है एस आर ई डेबिट, तो ये असल में ना मेन लाइन ये थी जो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया, वी विल पास दिस एंट्री नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस गेन कहां से आया करेगा, डिस्पोजल अकाउंट से। वही उलट रही होगी ना इस एंट्री में, असल में ना ये दो एंट्रीज होती हैं, पहले मैं कराता होता था इस तरह, ये दो एंट्रीज होती हैं, गेन उलटाने की एंट्री होती है अदर इनकम डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री होती है एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इन दोनों को नेट करके अदर इनकम और डेप्रिसिएशन को नेट करो तो अदर इनकम ही बच जाती है, तो इसलिए नेट करके एंट्री कर लेते हैं। वैसे ये दो एंट्रीज असल में होती हैं लेकिन हम इसको नेट करके किया करेंगे, गेन उल्टाने और डेप्रिसिएशन उल्टानी है, लेकिन गेन और डेप्रिसिएशन उल्टाने की बजाय नेट गेन उल्टा दें, गेन और डेप्रिसिएशन उल्टाने की बजाय नेट गेन उल्टा दें, तो डेप्रिसिएशन अलग से फिर उल्टानी नहीं पड़ेगी। लेकिन पी एंड एल के सवाल जब आएंगे ना तो वहां अदर इनकम और डेप्रिसिएशन अलग अलग नजर आ रही होगी, अर्निंग्स में छुपी नहीं होंगी, तब मुझे शायद ये बात आपसे करनी पड़े, लेकिन फिलहाल इस बात की जरूरत नहीं है। लॉस आ जाएगा तो इंशाल्लाह देख लेंगे, उसको उल्ट कर देंगे, लॉस में ये एंट्री उल्ट हो जानी है, पीपी डेबिट सीआरई क्रेडिट कुछ इस टाइप की एंट्री हो जाएगी। फिलहाल हमारी डिस्कशन सिर्फ गेन की थी, तो हैंड रिटन पेजेस में देख लेते हैं। बस डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करना आपने, मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन को लिफ्ट ही ना कराएं, गेन में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट गेन इसका नाम रखें और नेट गेन की एंट्री कर दें सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। लॉस का अभी मैंने नहीं कराया, अभी मैं गेन का करवा लूं सवाल। पेज नंबर 3, जी मोहतरम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, किसने बेचा, पेरेंट ने, किसने गेन बुक किया, पेरेंट ने, गेन को डेबिट कर दें सीआरई डेबिट और पीपी, ये एंट्री किससे होगी, नेट गेन कैसा निकलेगा, ग्रॉस गेन फ्रॉम लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल कंसोलिडेशन डेट, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये जो फिगर आया करेगी नेट गेन की, इससे ये एंट्री कर दिया करेंगे। लेकिन अगर बेचने वाली सब्सिडरी होगी एसआरई डेबिट, बस ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से ओवर हो गया। आप पॉइंट 3 में डिस्पोजल अकाउंट बना लें, वर्किंग नंबर एट करें, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं और जर्नल एंट्री करें। हाँ जी, वर्किंग नंबर 8, वर्किंग 7 और 5 ऑलरेडी बुक्ड हैं,
डेट ऑफ सेल क्या है? 31 मार्च 2014। कंसोलिडेशन डेट, तो 31 मार्च 2014 डेट ऑफ सेल है, ये कंसोलिडेशन डेट है। आना जरूरी है, रोजाना आना जरूरी है, रोजाना आना। और 31 मार्च 2014 जल्दी जल्दी कर लें। डायरेक्शन बता दें क्या है पी टू एस, नहीं लॉस तो नहीं होगा यार। खुदा का खौफ करें, लॉस कहां से आ गया भाई जान। बीवी गिवन नहीं, बीवी निकाल लें, 10 की बीवी है, 10 वाली चीज अगर 25 में बिक रही है तो 15 का गेन आ रहा है। अच्छा जी, एएल कौन है? पेरेंट। सेलर कौन है फिर? पेरेंट। पेरेंट सोल्ड एसेट टू सब्सिडरी, पेरेंट ने सब्सिडरी को एसेट बेचा। तो वर्किंग नंबर 8, सेल ऑफ पीपी, सेल ऑफ पीपी पी टू एस, कॉस्ट कितनी थी इसकी? 40। आज तक पेरेंट डेप्रिशिएट कितनी कर चुका था? 30। बुक्स में कितने का पड़ा हुआ था? डिस्पोजल अकाउंट आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लें। अगर आपने डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कॉस्ट भी लिखनी है, अकोमोडेशन भी लिखनी है, आपकी मर्जी है। दोनों को नेट करके बुक वैल्यू लिखनी है तो भी आपकी मर्जी है। मैं दोनों को नेट करके बुक वैल्यू लिख रहा हूं जी। बुक वैल्यू 40 माइनस 30, 10 वाली चीज कितने में बेची? 25 में। बेचने वाला कौन है? पेरेंट। पेरेंट को कितना गेन आया? 15। इस गेन को कहते हैं ग्रॉस गेन, ग्रॉस गेन 15। इसका नेट किससे करें? डेप्रिसिएशन से। कब से कब तक? डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टिल द कंसोलिडेशन डेट जी। उधर सरप्लस को पकड़ के डिवाइड करते थे रिमेनिंग लाइफ से, यहां गेन को पकड़ के डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से। अगर गेन को मैं रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दूं तो कितने ऐसे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 1 साल की। लेकिन मुझे अप्रैल मार्च की भी नहीं चाहिए, मुझे अप्रैल मई और 3 महीने से डेप्रिसिएशन नई बुनियादों पर रिकॉर्ड हो रही है जी। गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये फैक्टर कितने ऐसे डिडक्शन देगा? 1 साल की। मुझे कितने महीने की चाहिए? 0.। हाँ जी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ हम इस टॉपिक में याद रखिएगा, सरप्लस और गेन से खेलना होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर पेरेंट की किताबों में पढ़ा रहता तो 200 डेप्रिशिएट होता रहता। सब्सिडरी की किताबों में आने की वजह से वो वाला 200 ही डेप्रिशिएट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा 100 डेप्रिशिएट हो रहा है उसमें हमें एतराज है, ये सवाल है। तो इसलिए कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ वाली बोंगी नहीं मारनी आपने। तो आई रिपीट, पेरेंट की किताबों में पढ़ा रहता तो 200 तो डेप्रिशिएट होता रहता, इधर आने की वजह से 300 डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 300 डेप्रिशिएट होता है, 200 तो होना ही था। किसके ऊपर डेप्रिशिएशन का मसला है हमें? 100 पे। तो 100 की डेप्रिशिएशन है उसका मसला है, लेकिन हमारे सवाल में 100 का डाटा नहीं है, हमारे सवाल में कोई और डाटा है। उसकी किताबों में पढ़ा होता तो 10 रुपए पे तो डेप्रिशिएट होता ही रहता, लेकिन 25 पे आप डेप्रिशिएट होने लग गया होगा 15। तो सादा सी बात, बस जो मैंने फॉर्मेट बताया उस पर यहां ग्रॉस गेन्स को पढ़ लिया करें। गेन डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ इनटू 0.75 0.8 कर रहा हूं, इसको सारे 0.8 कर लें। 14.2 गेन उल्टाना है, ये जरूर आप लिखें। गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट और पीपी क्रेडिट, लेकिन बेचने वाला कौन है? पेरेंट। ये वर्किंग 8 आज बिल्कुल नई थी, लेकिन जो कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। वर्किंग 8 तो कोई भी हो सकती है, वर्किंग 7 तक हमारी फिक्स है, वर्किंग 8 9 तो जो मर्जी हो हमारी। चलें एंट्री पोस्ट करवा दें। पीपी क्रेडिट और सीआरई डेबिट, गेन रिवर्स हो रहा है, बड़ी मेहनत के बाद ये फिगर निकली 14.2। स्टेप्स बता दें क्या करेंगे?
ग्रॉस गेन पकड़ेंगे और उसमें से रिडक्शन माइनस कर देंगे। कब से कब तक की? जितने अरसे से रिडक्शन गलत कैलकुलेट हो रही है वो अरसा होगा डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक। डिस्पोजल अकाउंट बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप गेन के आगे कैलकुलेशन कर दें, आप गेन के आगे प्लस माइनस करके अगर कैलकुलेशन कर देंगे एक्सेप्टेबल है। ओके इंटर कंपनी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर एज फॉलोस। इंटर कंपनी आपस के रिसीवेबल और पेबल ये हैं। ये जो फ्रॉम है ना इसको मैं जरा काट रहा हूं और ये जो टू है ना इसको भी मैं जरा काट रहा हूं और रिसीवेबल इन पेरेंट बुक्स में 19 पड़ा है ऐसा ही है। रिसीवेबल इन पेरेंट बुक्स, पेरेंट की बुक्स में 19 पड़ा है। रिसीवेबल्स में, रिसीवेबल्स में पड़ा है ना 19, तो रिसीवेबल्स इसके कितने हैं? रिसीवेबल्स 595 में पड़े होंगे ना यार, और कहां पड़े होंगे? रिसीवेबल्स इसी में पड़े होंगे। कितना पड़े? 19। पेबल इन सब्सिडरी बुक्स, पेबल इन सब्सिडरी बुक्स 90 में कितना? 12। अबे शोहर तू क्या चाहता? मैं बीवी से 19 मिलियन लूंगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अभी ना बीवी को ऑटो पे लगाइएगा। कॉन्सेप्ट सुनना होता है लगाना, वो भाईजान पहले सब्र तो करो। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेने दो, जब कंसोलिडेशन की एंट्री आएगी फिर ऑटो पे लगा दीजिएगा। श्योर क्या कह रहा है? मैंने कितने लेने हैं? बीवी कह रही है ना ना मेरे सरताज, मैंने तो सिर्फ 12 देने हैं। अच्छा वजह देखते हैं क्या, शोहर क्यों ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? शोर क्यों ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? शोर कहते हैं बेगम वो तुझे मैंने जो है वो ट्रक में भर के व्हाइट बोर्ड पास कुछ भेजे थे वो पहुंचे तेरे पास? बीवी कहती है नो बट नॉट रिसीव्ड एट रियर एंड, लेकिन अभी तक सब्सिडरी को रिसीव नहीं हुए, अभी तक सब्सिडरी को रिसीव नहीं हुए, इस वजह से फर्क आ रहा है। तो क्या ख्याल है आपका, कितने की चीजें पेरेंट ने भेजी होंगी जो सब्सिडरी को मिली नहीं? 7 मिलियन की चीजें भेजी होंगी जो सब्सिडरी को मिली नहीं। पेरेंट के रिसीवेबल क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसने चीजें भेज के एंट्री कर ली होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, जैसे ट्रक वाले को उसने धक्का मारा होगा तो एंट्री की होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और बीवी की आंखें उदास हो गई हैं ट्रक के इंतजार में कि भाई जान वो किधर है, अभी तक रास्ते में ही आ रहा है, पता नहीं गुड्स पहुंची है नहीं पहुंची। तो अभी तक बीवी ने लायबिलिटी बुक नहीं की, बीवी ने एंट्री नहीं की परचेज डेबिट क्रेडिट, लेकिन शोर एंट्री कर चुका है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। क्या इस बात से समझ आ रहा है आपको? शोहर एंट्री कर चुके हैं डेटर डेबिट, सब्सिडरी ने अभी क्रेडिटर क्रेडिट नहीं किया, इस वजह से पेरेंट की किताबों में ज्यादा रिसीवेबल आ रहा है। आप बता दें इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, पहले तो ना जिसकी किताबों में डेटर आ रहा होता ना उसे मनाया करें, तो जिसकी किताबों में डेटर आ रहा है वो शोहर है, उसे कहें पुत्र, आप उसे कहें पुत्र, वैसे तो वो किसी का शोहर है लेकिन आप तो पुत्र कह सकते हैं ना उसे, क्योंकि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पुत्र ना कर, ना कर, ना ना बेगम तू ना 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 छट दे यार, छट ना ना ले ले बेटे, नहीं 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 पैसे लेने, बीवी ऑटो में कौन से देने थे? क्रेडिटर 12। और क्या वो रास्ते में हमारी गुड्स हैं? वो हमारी ही हैं फॉर द कंसोलिडेशन पर्पस, हमारी हैं, हमारे ग्रुप की हैं, तो डेबिट गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंसिंग कितना? 7। बट आज यहां पे बात नहीं रुकेगी, आज बात इससे आगे बढ़ेगी। ये जो चीजें हैं सब्सिडरी तक पहुंची नहीं तो आगे बेची कैसे होंगी उसने? ये चीजें भाईजन नहीं, जहाज चीजें लेके जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मिलियन की चीजें हैं, पेरेंट ने मारी है फूक, जहाज को रवाना कर दिया और देखिए अभी तक लैंड ही नहीं किया। तो अब मोहतरम ये बेगम खड़ी होकर देख रही है, ये जहाज आ रहा है गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। अब आप मुझे ये बता दें लाल किसे करना है? इसे करना है लाल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या गुड्स इन ट्रांजिट जो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची हैं क्या ये सब्सिडरी तक पहुंची हैं?
भाई पहुंची नहीं तो उसने बेची कैसे होगी आगे, कोई ऐसी साइंस तो नहीं ना इसके पास के हाँ इधर से चीजें निकाल के बेचने लग जाएगी, ठीक है ऐसी साइंस तो नहीं। तो जब पहुंची नहीं चीजें तो बेचारी ने बेची नहीं, तो जब बेची नहीं तो पेरेंट तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किए बैठा है, इसलिए तो उसके डेटर ज्यादा आ रहे थे। तो बता दें पेरेंट ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो इसका प्रॉफिट भी रिवर्स किया करना है हमेशा, इसका प्रॉफिट भी रिवर्स। बेचा किसने? पेरेंट ने। प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया? पेरेंट ने। प्रॉफिट कौन रिवर्स करे? पेरेंट। पेरेंट आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किए बैठे तो उसके डेटर ज्यादा आ रहे हैं। तो इस एंट्री के साथ में एक जुड़ी हुई एंट्री हुआ करेगी जो कल नहीं थी, क्योंकि कल क्या था? पैसे थे इन ट्रांसिट, आज क्या है? और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वैसे इस पे होगा क्यों? क्योंकि अभी तक सब्सिडी को पहुंची नहीं। तो जब पहुंच, वो पिछली क्लास में हमने कौन सी चीजें पढ़ी थी जो पहुंची होती हैं लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बेचता, ये तो पहुंची नहीं तो फिर इसने आगे कहां से बेची होंगी, इसका मतलब है लेकिन पेरेंट तो प्रॉफिट बुक कर चुका है ना। तो अब जरा प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री बताएं क्या है। प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री किसकी बुक्स में उल्टाने लगे हैं? सेलर पेरेंट है, तो सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक कर दें वही जीआईटी कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टॉक इन्वेंटरी क्रेडिट करनी है आपने। 7 डिवाइडेड बाय 120 मार्कअप है, ये मार्जिन है, मार्कअप है। तो 7 डिवाइडेड बाय 120 वर्किंग नंबर 9 जी मोहतरम। इसमें ना उसका ये इसके सोचने की जरूरत नहीं, जब कंसोलिडेशन होगी ना तो ये 7 रुपए बस बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, उसमें से आपने 2 रुपए माइनस हो गए। अच्छा अनलकीली ना सवाल में हमें डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री कैश अलग अलग नजर नहीं आ रहा, तो बताते रहे इन चीजों को कहां कहां पोस्ट करेंगे। इसको करंट लाइबिलिटीज में करेंगे कम, इसको करंट एसेट में बढ़ाएंगे, इसको करंट एसेट में कम करेंगे, इसको सीआरई में कम करेंगे, इसको करंट एसेट्स में कम करेंगे, क्लियर। तो पहले जरा ये वाली साइट, पहले ये वाली एंट्री पोस्ट करा दें, क्रेडिटर्स को कम कर दें कितने से? क्रेडिटर को कम कर दें 12 से, 12 से क्रेडिटर कम। डेटर कितने से कम? 7 नहीं नहीं तरतीब से चलो, डेटर कितने से कम? 19 से। अब आपने अपने वहां पे कुल्हाड़ा मार लिया, 12 और 19 माइनस कर दिया, लेकिन आपने एक चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, गुड्स इन कितने रुपए की? 7 रुपए की। इधर क्या करते हैं? +7। ये एक एंट्री पोस्ट हो गई, गुड्स इन ट्रांजिट नया लाइन आइटम ना डालें, बस चीजें हमारी हैं रास्ते में पड़ी हुई हैं, बस जहाज को देख लें, हमारा एसेट है ना। और अब रिवर्स कर दें सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये मैं रेड से पोस्ट, रेड तो है ही नहीं, चले है सीआरई डेबिट कितने से? पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स हो गया और माइनस 1 पॉइंट। असल में इस एंट्री के बाद ना ये गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट पे आ जाएंगी, पता होता क्या, इस एंट्री के बाद गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट में आ जाती है, ये आपस की सेल थी, इसमें से जब प्रॉफिट माइनस करते हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट पे नजर आने लग जाती है, लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो क्या एंट्रीज करें। चलो इधर ले आओ। अच्छा वो हैंड रिटन पेजेस पे ये चीज देख लेना, या साथ साथ जो भी नया कॉन्सेप्ट है उसको जरा हैंड रिटन पेज पे देख लिया करें। एक पेज मैंने आपसे छुपाया हुआ था, वो आपकी किताब में होते हुए आप उसको देखते नहीं थे, वो था पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 एलिमिनेशन होते कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ आपस के बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डेटर क्रेडिटर कल किए थे, ऐसी फिगर एज्यूम करें हैं, शोर तूने पैसे नहीं लेने 70 रुपए, फिगर एज्यूम कराऊं, बीवी कहती है हाँ मैंने भी 50 रुपए नहीं देने, बकाया कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट की जैसे कल एंट्री की थी, ये एक एंट्री कल करा दी थी। कल क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। चैप्टर कौन सा था? पता नहीं, कोई आखिरी चैप्टर है किताब का,
चैप्टर 17 में क्वेश्चन 8 ये कर दी थी कल। अच्छा आज मैंने क्या करवाई है एंट्री, वही एंट्री क्रेडिटर डेबिट डेटर और बैलेंसिंग गुड्स इन दिस केस वी विल आल्सो रिवर्स द प्रॉफिट ऑन गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंटिंग टू रुपीज। गलती कोई नहीं करनी, इस 20 पे आपने प्रॉफिट को रिवर्स करना है। अब अगर बेचने वाला, इसके बाद दो एंट्रीज हो सकती है ना, इसके बाद दो एंट्रीज हो सकती हैं। अगर बेचने वाला पेरेंट है तो सीआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर बेचने वाली सब्सिडरी है तो एसआरई डेबिट। लेकिन ये दूसरी एंट्री जरूर करनी है। ये किसके केस में होगी, इन केस ऑफ कैश इन ट्रांजिट या इन केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट? केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। और पॉइंट थ्री भी हम कर चुके हैं, पॉइंट थ्री भी हम कर चुके हैं, लोन पेएबल डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। और हमारी आज की क्लास की आखिरी एडजस्टमेंट ये है, पॉइंट फोर आपके लिए नया है। लेकिन नया नहीं होगा कि नया क्या होना है, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, ये क्या होगी एडजस्टमेंट? भाई बैलेंस शीट में जरूरी तो नहीं लोन पेएबल रिसीवेबल पड़े हो सकते हैं उनका इंटरेस्ट भी रिसीवेबल पेएबल पड़ा हो, तो उसको भी आपस में कैंसिल करेंगे। तो ये हमारी आज की आखिरी एडजस्टमेंट है। तो क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में कैंसिल होती हैं? डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल इंटरेस्ट रिसीवेबल, और पता नहीं क्या क्या। फिक्स्ड एसेट के भी कई दफा पैसे पेएबल रिसीवेबल होते हैं। कल की क्लास में डिविडेंड पेएबल रिसीवेबल भी कैंसिल करेंगे इन ऑल केसेस। अच्छा चलो छोड़ें, वो तो कोई और बात ही, इट्स ओवर नाउ। आज की आखिरी एडजस्टमेंट कर दें, पॉइंट नंबर 5। अगर आप मुझे इसमें से रिसीवेबल पेएबल ढूंढ के दे देना तो कमाल हो जाए। क्या बोलो? हाँ आप कैमरा उधर ही रखो, कैमरा उधर ही रखो। ये देखो मैंने बताया, दो एंट्रीज कर लो फिर आप, अदर इनकम डेबिट ऐसा क्रेडिट, फिर उसके बाद असल में ये डिडक्शन कम नहीं हो रही, इधर ऐसे कम होगी, एसेट कम तो डिडक्शन कम, तो एसेट डेबिट डिडक्शन क्रेडिट। तो अब इन दोनों को नेट करके 15 और माइनस 8 एसेट कम हो गया, अच्छा जी 1.8 वाले हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड में भी फिजिकल में भी 1.8 वाले हाथ खड़ा करें, 0.9 वाले हाथ खड़ा करें, 0.9 वाले न्यूट्रल हाथ खड़ा करें। दोबारा पढ़ लें एडजस्टमेंट, एक बात करने लगा हूं, जिस तरह करूंगा उसी तरह सोचिएगा, उससे आगे नहीं सोचना। इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस पी एंड एल के मुंह पे सोचेंगे क्या करना है, इनकम एक्सपेंस को लिफ्ट ना कराएं। इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल में यहां सोचवाने लगा हूं, ठीक है? वैसे आपसे पूछ रहा हूं एक्सपेंस और पेएबल्स में क्या फर्क होता है। बिजली मिसाल के तौर पर आपने 12 महीने चलाई तो एक्सपेंस है 12, लेकिन उसमें से सोचते हैं पेएबल सिर्फ एक महीने का बिल लो 1 रुपया, तो एक्सपेंस और पेएबल में फर्क होता है। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करना है प्लीज इधर ना पूछिएगा, ये पी एंड एल के सवालों में फेस के ऊपर इसको किया करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन फिलहाल इस एडजस्टमेंट में से सिर्फ क्या ढूंढने, रिसीवेबल और पेएबल, वो जरा ढूंढ लेते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट एरियर में यानी कि साथ साथ पे हो है साल के एंड पे तो फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट सारा पे ना हो सका तो फिर शायद रिसीवेबल पेएबल नजर आ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू 2222 सब्सिडरी ऑन साल का पहला दिन, लोन की अमाउंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन कितना ग्रांट किया 30 का, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट किया 30 का साल के पहले दिन, और ये लोन वापस होना है 5 साल बाद। इसका मतलब है लोन का प्रिंसिपल कोई रीपे नहीं होगा, लोन का प्रिंसिपल रीपे नहीं होगा, इसलिए साल के शुरू में लोन दिया था 30, आखिर तक 30 ही रिसीवेबल है और आखिर तक 30 ही पेएबल है, इसमें से प्रिंसिपल कोई पे नहीं हो रहा, एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, पेएबल ऑन जकम जनवरी। अच्छा इंटरेस्ट सालाना पे करने है या साल में दो दफा पे करना है? दो दफा का मतलब फिर सेमी एनुअली होगा, तो सेमी एनुअली पे होना है, लेकिन पे कब होना है? यकम जनवरी और यकम जुलाई।
यकम जनवरी और यकम जुलाई, यकम जुलाई 13, 30 जून 14, और हमारा मिड होगा, हमारा मिड होगा 31 दिसंबर 13। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल की टेंशन ना लें। इंटरेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, यह पे होगा यकम जनवरी को और यकम जुलाई को, यकम जनवरी को और यकम जुलाई को पे होगा। आप कहेंगे सर आपने तो कहा यकम जनवरी और यकम जुलाई को पे होगा, यानी आप कह रहे हैं कि 6 महीने वाला 7वें के पहले दिन पे हो जाएगा और 7 से 12 महीने वाला 13वें महीने के पहले दिन, यानी अगले साल पे होगा। आप ये कह रहे हैं और आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आखिरी 6 महीने वाला हमारे साल पे नहीं हुआ तो वो अभी तक पेएबल है, लेकिन मैंने इन नुक्तों को तो इस तरह लगाया था, इट इज लोन का इंटरेस्ट पेएबल है यकम जनवरी और यकम जुलाई को, मैंने इस तरह लगा लिया था कि यकम जुलाई को पे होगा इंटरेस्ट और यकम जनवरी को पे होगा, ये भी तो यकम जुलाई है, मैंने नुक्तों को इस तरह लगाया, तो मेरी नजर में तो इंटरेस्ट सारा पेड है, आप पेएबल निकाले बैठे हैं। इसका सुन लें जवाब, भाईजन ये लीज नहीं है, लोन है। लोन का इंटरेस्ट दुनिया में कभी एडवांस में पे नहीं होता, लोन का इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होता। वजह क्या है? आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेते ही बैंक ने पहले दिन ही आपको का इंटरेस्ट दे दो, आप कहेंगे यार लोन ही फिर कम दे दो मुझे हाथों में, तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। तो लोन का इंटरेस्ट एरियर में पे होने के दो तरीके हैं, या छठे के एंड में पे, लोन का इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है, या छठे महीने के एंड में पे कर दो ये भी एरियर है, या अगले साल के अगले 7वें महीने के पहले दिन पे कर दो ये भी एरियर है, कोई मसला नहीं। तो छठे महीने बिजली का बिल एरियर में ही पे होता है पाकिस्तान में, कभी एडवांस में नहीं होता। 31 दिसंबर को आ जाए, 31 दिसंबर की रात को पे कर दो, ना हो तो यकम जनवरी की सुबह पे कर देना। तो मतलब क्या है कि दिसंबर में बिजली इस्तेमाल करके या 31 दिसंबर की रात को पे कर दो या यकम जनवरी की सुबह पे कर दो, वन एंड द सेम थिंग एज फॉर एज एक्सपेंसिस कंसर्न, एक ही चीज है। हां लेकिन 31 दिसंबर को पे कर दोगे तो पेबल नजर नहीं आ रहा होगा, और यकम जनवरी को पे कर दोगे तो पेबल नजर आ रहा होगा। तो इसलिए जो इंटरेस्ट पे होता है ना वो हमेशा बाद में होता है, तो इसलिए यकम जनवरी और यकम जुलाई का मतलब ये है, इस दिन कोई इंटरेस्ट मेरा पे नहीं होगा। तो बता दें टेंशन किसकी लेनी है बैलेंस शीट में, पेड की या पेबल की? अब किस इसका इंटरेस्ट निकाल लूं या आखिरी 6 महीने का निकाल लूं? आखिरी 6 महीने का प्रिंसिपल 30 रेट इंटू 1.8, इस 1.8 को हमेशा आपने अज्यूम करना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही एंट्रीज हो चुकी हुई है। इस 1.8 को किसने अपने रिसीवेबल में शो किया होगा और किसने अपने पेएबल में शो किया होगा? पेरेंट ने अपने रिसीवेबल में डाला होगा और सब्सिडरी ने अपने पेएबल में डाला होगा। वो मैं एंट्रीज करवाऊं या वो कर चुके होंगे? वो कर चुके होंगे, हमने उसको उल्टाना है। तो कंसोलिडेशन पर्पज के लिए आपने उल्टाना है, पहले रिसीवेबल वाले को कहें तूने रिसीव नहीं करना इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और फिर क्रेडिट, और फिर पेएबल वाले को कहें बीवी ऑटो पे लगी होगी वो कहेगी मैंने कौन सा पे करना था। तो भाईजान इस टॉपिक में रिसीवेबल पेएबल बुक नहीं करने, इस टॉपिक में डेटर क्रेडिटर बुक नहीं करने, इस प्रॉफिट के इस टॉपिक के अंदर प्रॉफिट्स आपस के बुक नहीं करने, बल्कि बुक हुई भी चीजें उल्टानी है। कितने से वर्किंग नंबर 10 डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम ऑब्वियसली बस ये वर्किंग कर देंगे जी। मैंने लीज में इसलिए कहा था कि लीज के अंदर किस्त जो है ना एडवांस में पे हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा लोन में इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होता। चलें जी, इस एडजस्टमेंट की असल जो प्रैक्टिस आपकी होगी इंशाल्लाह वो होमवर्क के सवाल में होगी, जब हम क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सेमी एनुअल है ये क्वार्टरली है, तो ये कल इंशाल्लाह इसको फिर रिवाइज करेंगे। चलें जी कैंसिल करवाएं भाई, इंटरेस्ट पेबल। अच्छा यार ऐसे नहीं सोचना कि दोनों ने क्या एंट्रीज की है, मैं जरा करके वो भी देख लूं, पागलों की तरह ये नहीं करने इधर देखें, पागलों की तरह ये नहीं करने बैठ जाना। अच्छा पेरेंट ने पहले 6 महीने का इंटरेस्ट तो रिसीव कर लिया होगा और सब्सिडरी ने पहले 6 महीने का तो पे कर दिया होगा, तो इसकी तो टेंशन नहीं है 1.8 की, ये तो रिसीवेबल पेएबल में नहीं पड़ेगा। हाँ ईयर एंड के पेरेंट ने रिसीवेबल डेबिट किया होगा और इनकम क्रेडिट की होगी और सब्सिडरी ने एक्सपेंस डेबिट किया होगा पेएबल क्रेडिट, इसको कैंसिल करना है जो ये कर चुके हैं। चलो जी अच्छा आप कैंसिल करते हैं, इंटरेस्ट पेएबल एक की किताबों में लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, दूसरे की किताबों में रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, इसको करता हूँ। चलो पोस्टिंग रहने दो बस।
तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरल एंट्री सोचनी नहीं है, एंट्री पढ़ के बस सोचने कि कितना अभी तक रिसीवेबल पेबल है, और उसे बुक नहीं करना, उसे रिवर्स करना है। चलें जी आखिरी हमारी इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट्स में पड़ा होगा ना, करंट एसेट्स में 1.8 माइनस 1.8 रिसीवेबल क्रेडिट पेबल डेबिट, दोनों जगह माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट टैली करेगी। और डेटर क्रेडिटर भी नहीं माइनस कर रहे थे, दोनों ही माइनस कर रहे थे ना। क्या सब कुछ हो गया, टोटल्स करें या कुछ रहता है? लोन रहता है। ये आपने दूध और उसकी मलाई, मलाई कैंसिल कर दी है, अभी दूध रहता है, लोन रिसीवेबल तो अभी खड़े। तो लोन रिसीवेबल में ना जो देखने का तरीका होता है वो ये होता है, देखने का तरीका ये होता है, इधर तो वाजे लिखा हुआ है कि सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, और इसका मैंने कहा था आप लिख लिया करें रिसीवेबल लफ्ज। शोर कह रहे मैंने 30 रुपए बीबी को उधार दिया हुआ है, इधर ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम पी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इधर ना दोनों की बोरोइंग्स दी हुई है, तो इधर ये वाला जो 30 है ना ये इससे मैच करेगा। शोहर कह रहे कि मैंने तुझे उधार दिया हुआ, बीवी ने, इसका मतलब है शोहर कोई 30 वापस करने और किसी से उधार नहीं लिया हुआ। लेकिन ऐसे ना सोचिएगा कि शोहर ने उधार लिया हुआ तो बीवी ने भी उधार दिया हुआ होगा, ये खेलते रहते हैं यार, ये तो नहीं होगा। तो इधर तो कोई चीज वापस, तो इस दोस्तों को कैंसिल ना कीजिएगा, तो स्काई ब्लू की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इधर कोई पंगा ही नहीं है, आपस के रिसीवेबल पेबल है ही नहीं, आपस के रिसीवेबल पेबल तो ये है अंदर आ ये है, इनको हमने कैंसिल करना है, तो 30-30 रुपए को कैंसिल करते हैं, 200 की टेंशन ना ले। लोन रिसीवेबल क्रेडिट और लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट। एक मिनट, एक से दो, दो तीन मिनट ले लें, बैलेंस शीट टैली कर दें। हाँ जी इसलिए कि वो यकम जुलाई को पिछला पे हो गया, करंट एसेट्स में तो, करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या चीज आती है, मिसाल के तौर पे बिजली आपने इस्तेमाल की 12 महीने, करंट लाइबिलिटीज में 12 रुपए आ रहा होगा या खाली दिसंबर का 1 रुपया आ रहा होगा, लाइबिलिटीज में 1 रुपया आ रहा होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट है, जुलाई से दिसंबर का जनवरी में पे कर दिया तो जनवरी से जून का पेबल में आ रहा है, लेने दो। हाँ जी गुडविल इधर आ रही है, अदर इनकम है, नेगेटिव गुडविल, वैसे अब नाम इसका नहीं रखा जाता, अदर इनकम ही कहा जाता है, इसको काट के सीआरए में ले जाए, बस नेगेटिव गुडविल को हमेशा आप इधर ले जाया करेंगे। जगह छोड़ते हैं एसआरई के लिए, ये जगह फिक्स है एसआरई के लिए, एसआरई आनी है, थोड़ा सा नीचे करके नेगेटिव गुडविल जी 20। अब बैलेंस शीट क्या मुंह पे नहीं आएगी फिर गुडविल, जी सीआरई 16 into 20% पेरेंट या सब्सिडरी ने आपके लिए भेजा है, इमरान खान ये सब्सिडरी ने आपके लिए भेजा है, 1.2 क्या था, स्टॉक का प्रॉफिट, रिकॉर्ड नहीं होते इस टॉपिक में, इस टॉपिक में रिवर्स होती हैं चीजें, स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स किया था, 377.6। हाँ हाँ उन्हीं की बेस पे करो, 377.6 होली जरा तो, अच्छा जी कैरी डाउन सीआरई एनसीआई 377.6 72
भाईजान ये 1.8 नीचे गया है जगह ना होने की वजह से। 1625.8 बबलू कितनी देर में आ रहे हो? बाकी फुल फॉर्म में लिखना है। कोई आपकी ये BRF CRS कोई कंट्रोल अकाउंट या कोई बैलेंस शीट बैलेंस शीट या कोई कैश फ्लो टाइप की पेपर में हुई है टैली? अच्छा मेरी तो पूरे सीए इंटर में नहीं हुई थी कभी भी टैली, लेकिन सीए इंटर के पेपर भी सारे पास हो गए थे और सीए फाइनल में 2 बैलेंस शीटें टैली हो गई थी, तो टोटली नहीं किए थे, टोटली नहीं किए थे। अभी थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर बाद एक बंदे ने साथ वाले थे कहना है यार ये फिगर्स कहाँ से आ रही है 10-2 जमा 3 क्योंकि सवाल तो समझ आ गया अल्लाह का शुक्र है बट ये ओके चलें जी एक क्विक रिवीजन। अगर एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग मिसिंग होंगी तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग गिवन है उनसे ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकलेंगे, पहली बात ये की थी हमने। दूसरी बात, अगर नेगेटिव गुडविल आ जाएगी तो एनसीआई चाहे फेयर वैल्यू पे हो चाहे प्रोपोर्शनेट पे हो, इस पे सोचना नहीं है, सोचेंगे दिमाग गलत साइड पे जा सकता है। एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो या प्रोपोर्शनेट बेस पे हो, सीआरई के अंदर आपने ये गेन को ले जाना है। अगली बात, जब भी आप फिक्स एसेट बेचेंगे तो सेलर की बुक्स में डिस्पोजल अकाउंट बना के देखेंगे कि सेलर ने प्रॉफिट कितना बुक किया है। सेलर ने प्रॉफिट बुक किया 15 का, 15 को नेट करेंगे डेप्रिसिएशन से, प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट पीपीई क्रेडिट, इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। एंड इन द एंड जिस तरह लोन का रिसीवेबल पेबल कैंसिल होता है उसी तरह इंटरेस्ट का भी रिसीवेबल पेबल, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस नहीं सोचना, इनकम एक्सपेंस कैंसिल करने ना बैठिएगा, वो P&L के सवालों में देखेंगे। ये बैलेंस शीट का सवाल है, इसमें क्या कैंसिल करना है? पेएबल और रिसीवेबल। आज लेक्चर का पार्ट बी होगा, उसमें मैं लीज का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, उसमें कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं लेसी के पहले आपको चीज़ें खुलवाऊंगा, लेसी एक दफ़ा रिवाइज करवाऊंगा, फिर उस सवाल को करेंगे, बड़ी अच्छी एक रिवीजन हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट IS-37 का आज हम करने लगे हैं, वो आप ज़रा खोल लें IS-37, देखें किताब में किधर है, बल्कि उसी चैप्टर के ऊपर आ जाएं, वो जो आखिरी यही वाला चैप्टर है, इधर जरा बताएं IS-37 किधर है, इसी चैप्टर में पेज नंबर भाई ऑफ करो रिकॉर्डिंग पेज नंबर 698 क्वेश्चन 1। ये असल में कॉन्सेप्ट 3-4 जगह यूज होना है डिस्काउंटिंग का और लीज में भी यूज होना है, इसलिए वो कर रहे हैं हम। इसमें दूसरा पॉइंट मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ पहली 3 लाइनें मैं पढ़ने लगा हूं। एक कंपनी ने परचेज किया प्लांट 300 रुपए का, एक कंपनी ने परचेज किया प्लांट 300 रुपए का इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, इसकी लाइफ कितने साल है? 12 साल। इट इज परचेज ऑन 2 जनवरी 2016। इट इज लीगली ऑब्लाइज टू डी इंस्टॉल द प्लांट, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 698। इट इज परचेज ऑन 2 जनवरी 2016। इट इज लीगली ऑब्लाइज टू डी इंस्टॉल द प्लांट, लीगल ऑब्लिगेशन है कि प्लांट आपने डी इंस्टॉल करना है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग इज 100, 100 रुपए का डी इंस्टॉल होगा कितने सालों बाद? 12 सालों बाद। ये आपने 100 रुपए किसको देना है? दे दिया है, देने देने पेबल है, पेड है, पेबल है, मजदूरों को देने कितने सालों बाद? 12 सालों बाद। अगर हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पैसे की वैल्यू नहीं बदलती, अगर हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पैसे की वैल्यू नहीं बदलती, इसका मतलब है कि कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पैसे की वैल्यू नहीं बदलती तो फिर कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। फिर एंट्री क्या बनेगी? ये मैं डिस्काउंट रेट काट रहा हूं जी, एसर डेबिट कैश क्रेडिट पेएबल आफ्टर 12 इयर्स क्रेडिट जी,
पहले आप मुझे बताएं एसेट कितने का खरीदा? एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग क्या होती है, इंस्टॉलेशन या डी इंस्टॉलेशन? डी इंस्टॉलेशन के साथ एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्यों लिखा है इसमें? 12 साल बाद हमारा अंदाजा है कि शायद 100 रुपया पे करना पड़ जाए, तो 12 साल बाद अगर 100 रुपया पे करना पड़ा तो ये पेबल हो गया। अब मैं कह रहा हूं डिस्काउंटिंग वगैरह को इग्नोर कर दें, तो एसेट किस पे बुक करें? और इसकी बड़ी लॉजिक अकाउंटेंट्स ने दी है। अकाउंटेंट्स ने कहा था डी इंस्टॉलेशन को लोग आखिरी साल में डायरेक्ट खर्चे में डालते थे। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, डी इंस्टॉलेशन को आखिरी साल खर्चे में ना डालो, ये तो आपके खर्चे आसमानों पर पहुंच जाने हैं। डी इंस्टॉलेशन का अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगा के आज उसको एसेट की कॉस्ट में डालो, और आहिस्ता आहिस्ता तो जिस तरह इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में डालते हो उसी तरह डी इंस्टॉलेशन को भी एसेट की कॉस्ट में डालो। लेकिन इस एंट्री को थोड़ा सा ना बदलवाएं, क्योंकि ये पैसे कितने सालों बाद देने हैं? 12 सालों बाद। तो इस एंट्री को हिम्मत करके ना थोड़ा सा बदलवाएं, पेएबल को बेहतर है कि पीवी पे बुक कर लें, पीवी पे बुक कर लें। अच्छा, अब मुझे बताएं ये पैसे 12 सालों बाद देने हैं या ये पैसे हर साल, जल्दी अहमद, ये पैसे 12 सालों बाद एक दफा देने हैं, हर साल 12 दफा देने हैं, हर साल देने हैं और टोटल 12 दफा देने हैं? यार मेरे तो ख्याल से आप 12 साल प्लांट इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके जब 12वें साल का एंड आए मजदूरों को बुलाए, सीधे कामिनू लाया तेंजुम ने भी नाल ले आई, तो मजदूरों को बुला लें और मजदूरों को बुला के एक ही दफा पैसे दें और प्लांट डी इंस्टॉल करवा लें। ये इस तरह नहीं है। लीज में ना कुछ होते थे रेंटल्स, उन पे हम एनुटी का फॉर्मूला लगाते थे, और कुछ चीजें होती थी जीआरबी यूजीआरबी टाइप, उन पे हम सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते थे। तो ये किस टाइप की चीज है, एक दफा पे करना है मजदूरों को या हर साल के एंड पे थोड़ा थोड़ा डी इंस्टॉल करवाएंगे? भाई हर साल के एंड पे तो डी इंस्टॉल नहीं करवाएंगे ना, एक ही दफा एंड पे डी इंस्टॉल करवाएंगे। तो अब आप मुझे बता दें ये फिगर सिंपल डिस्काउंटिंग से इसको डिस्काउंट करूं या एनओटी के फॉर्मूले से? सिंपल डिस्काउंटिंग से। चलें जी, कितना पे करना है इसको अगर आज मैं पे करूं, रेज टू पावर माइनस 12, 44.4 एक कर दें, 44.4 कैश, ये तो आज दे दिया ना मैंने, तो एसेट किस पे बुक होगा? भाई हमने न्यूज नहीं सुननी, हमारी अपनी न्यूज निकली नहीं। अच्छा 344.4 इसको बैलेंसिंग लिखेंगे। ये भाई जिन पहली एंट्री कर लें, यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 16 करें जी एंट्री, कंसोलिडेशन साथ चल रही है यही कर लें, कोई मसला नहीं। यकम जनवरी 16 की पहली एंट्री, इधर ले आओ कैमरा, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 300 से। और इसका नाम पेबल ना रखें, इसका नाम रखें प्रोविजन फॉर डी इंस्टॉलेशन या डिसमेंटलिंग। जी कितनी लाइबिलिटी है 12 साल बाद? लेकिन अगर आज करवाना पड़ा तो सस्ता हो जाएगा ना, क्योंकि तो 12 साल बाद ज्यादा पैसे देने। माइनस 44.4 एसेट 344.4। तो इंस्टॉलेशन को डायरेक्ट एसेट की कॉस्ट में डाला करेंगे और डी इंस्टॉलेशन की पीवी एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। अब सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाईजान इस टॉपिक में दो बहनें हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, इन दोनों को आपने साथ साथ चलाना है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, इन दोनों को आपने साथ साथ चलाने। सर इंटरेस्ट कहां से आ गया? अभी मैं बताता हूं, क्योंकि डिस्काउंट रेट आया ना तो इसलिए इंटरेस्ट भी आएगा, वो मैं बताता हूं क्यों। पहले डेप्रिसिएशन निकलवा दें सादा इजी मार्क्स में, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन। सवाल की तरफ ना जाओ, सवाल में कुछ नहीं है। कॉस्ट पकड़ो 4.4 लाइफ 12 साल, ठीक है ओके। क्या आ गया 28.7, ये डेप्रिसिएशन आ गई 31, 12, 16 डन। अच्छा जी 2017 में प्लांट खरीदेंगे? 2017 में प्लांट खरीदेंगे? नहीं। 2017 में डेप्रिशिएट करेंगे? जी बिल्कुल। डिविजन बताएं, वही स्ट्रेट लाइन है 28.7। ये मुझे ये बताएं भाई, भाई भाई मुझे ये बताएं, ये पेबल अगर मैं एनपीएस बंद कर दूं यहां पे, ये पेबल बैलेंस शीट में कितने में नजर आएगा? 44.4 इस साल, 44.4 इस साल पेबल किस पे नजर आएगा? 44.4 में तो पेबल को चेंज नहीं किया ना, इस साल किस पे नजर आएगा? और 12वें साल भी किस पे नजर आएगा? आप 44.4 पेबल में खड़ा होगा, 12वें साल आप मजदूर को दे रहे होंगे 100, तो 44.4 पेबल डेबिट कर रहे होंगे और कैश क्रेडिट कर रहे होंगे 100 से,
तो अगेन बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा जो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो असल में ये इंटरेस्ट की वजह से आया है। तो अब आपने लायबिलिटी को अभी से बढ़ाने लग जाएं ताकि लायबिलिटी ग्रो करते 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 100 पे पहुंच जाए। अब एक एंट्री मैं करने लगा हूं, इसे आप इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इंटरेस्ट कंपाउंड करके इसमें डालते जाएं ताकि आखिरी साल तक इस अकाउंट में हमारे पास 100 रुपया पड़ा हो। अगर ये एंट्रीज में कर दूंगा ना तो हमारे अकाउंट में कितना पड़ा रहेगा, 44। और एंड पे जब पेमेंट होनी है 100 की, तो फिर दोबारा को 50-55 मिलियन का लॉस आया होगा, वो एकदम हमारे पीएनएल को तो सारा उठाकर फारक कर देगा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट के नाम से बुक करें। तो इंटरेस्ट के नाम से बुक करने की कोशिश करें। इसका नाम ना बड़ा किताबों में मजे का लिखा हुआ है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को खोलना, डिस्काउंट को खोलना, अनवाइंडिंग ऑफ। ये कितने साल हो गए, 12 साल। इधर कितने देने हैं, 100। पीवी अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ले जाना, 50 पे ले जाएं, 55 पे ले जाएं, 670 पे ले जाएं, 75 पे, करते करते ये 100 पे चले जाए। तो पहले मैंने क्या किया, 100 को डिस्काउंट किया। अब मैं डिस्काउंट को खोल रहा हूं, डिस्काउंट को खोल रहा हूं, डिस्काउंट खोलता रहूंगा तो अगेन ये फिगर कहां पे पहुंच जाएगी दोबारा। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। और एंट्री बड़ी आसान सी है, ये पेएबल कभी पे नहीं होना, मजे की बात है, 12 सालों बाद पे होना है, इसलिए साथ साथ पेमेंट तो इसकी है कोई नहीं, तो बस पेएबल बुक करते रहे, पेएबल को बढ़ाते रहे। लेकिन डेबिट ना एसेट को नहीं मारना, आप स्टैंडर्ड कहते हैं डेबिट एसेट को ना मारो यार, बस डेबिट सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस को मारो, और क्रेडिट वही प्रोविजन का अकाउंट। पकड़े जरा अमाउंट, 44.4 44.4 × 12%, उसको पहले डिस्काउंट किया था, अब इस पे इंटरेस्ट लगा दे बस, 44.4 × 12%। ओहो, रेट कितना था, 7%, रेट 7%, बस इस पे डिस्काउंट रेट लगा, इंटरेस्ट जी कितना, 3.1। अब आप मुझे बता दें इंटरेस्ट ये जो मेरा बना, तो ये लायबिलिटी पे होनी है या अभी पे होनी है, काफी सालों बाद? अगले साल का इंटरेस्ट आपने 44.4 पे नहीं निकालना, क्योंकि 44.4 पे तब इंटरेस्ट निकालते जब ये वाला पे हो गया होता। ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, दोनों पेएबल जमा होके अगले पेएबल का इंटरेस्ट निकलवाएंगे। तो अब 31/12/17 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये लायबिलिटी पे नहीं करानी आपने 12 साल तक, बस पेएबल बुक करते रहने जी। 44.4 को लिफ्ट ना कराएं, 44.4 जमा 3.1, हर साल इस तरह कंपाउंड होता रहेगा। 44.4 जमा 3, व्हाट वाज पेएबल, 44.4, बाय हाउ मच इट इंक्रीज्ड, व्हाट इज टोटल पेएबल, 47.5, इट इज नॉट पेड। फिर सब पे कंपाउंड करके इंटरेस्ट निकालें, 7% × 7% 3.3। अगले साल क्या करेंगे, अगले साल 44.4 प्लस 3.1 प्लस 3.3। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा इसका पेपर में, इसका एक शॉर्टकट भी है। 44.4 प्लस 3.1 प्लस 3.3 करके अगले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। काश मेरे पास टाइम होता और जो शीट हटा के मैं लिख सकता, तो 12 साल की मैं आपको जनरल एंट्रीज करके देता, तो 12 साल के एंड के बाद पेएबल का बैलेंस मेरा आ जाना था 100 पे। लेकिन अभी मजबूरन मैंने बस 2 साल की एंट्रीज की हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट में तो पता नहीं 3-4 सालों की एंट्रीज मांगी है, और सवाल की रिक्वायरमेंट में शायद चेंज आ गई है, मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, वो तो मैंने हटा ही दिया है, वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने फारिग कर दिया, तो प्लीज वो सवाल ना देखें, बस ये 2 सालों की एंट्रीज आपको करवानी थी। पीपी को अगर कितने से इधर, हाँ पीपी में उतना जाएगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक शायद इस तरह की है कि आपने ना कोई एक तरह का बैंक लोन टाइप ले लिया 44 का, 44 की जगह आपने 100 पे करने, कुछ टाइप की लॉजिक है इसके पीछे, इसे कहते हैं फाइनेंसिंग। 44 का लोन आपने ले लिया बैंक से, और 44 की जगह 12 साल बाद कितना पे करने, 100 पे करने, तो उस पर हर साल क्या बुक करते रहे, शायद इस किस्म की लॉजिक है इसके पीछे। तो 44 का लोन लिया बैंक से, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, या पेबल क्रेडिट इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, करते करते आखिरी साल सारा पेबल डेबिट करके क्या क्रेडिट कर देंगे, कैश, कैश पेबल डेबिट या लोन डेबिट कैश क्रेडिट। सो इट इज हाउ वी विल मूव। यार फिर अब ऐसा करते हैं, वो दूसरी क्लास अब छोटी हो जाएगी, 5-10 मिनट उस सवाल को मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने कराना है, लीज वाला ये वो सवाल बांटो, उस्मान बांटे गए सबके पास नहीं पहुंचे, हाँ वो सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ इस टॉपिक की सिर्फ एक हल्की सी आपको बर्ड्स आई व्यू देना था जी। टॉपिक ये है कि डिसमेंटलिंग को एसेट की कॉस्ट में डालना है, बस
डिसमेंटलिंग को क्या करना है एसेट की कॉस्ट में डालना है, बाकी टॉपिक का नाम क्या है और क्या है वो छोड़ें, बस डिसमेंटलिंग को एसेट की कॉस्ट में डालना है। ये हेडिंग दे दें आप, डिसमेंटलिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरी क्लास में कौन बांट रहे हैं नोट्स? जिनके पास वॉल्यूम वन है वो सफा ना लीजिए, भला वॉल्यूम वन का ही सफा कॉपी करा के दिए। जी किसी को सफा ना मिलाओ, एक बात लिख लें, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट बहने हैं, यानी जब भी इसमें आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे साथ ही एक और एंट्री करनी नहीं भूलनी, क्या इसकी इंटरेस्ट की। इधर देखें सारे, एसेट डेप्रिसिएट हुआ करेगा और लाइबिलिटी ग्रो किया करेगी, बोले एसेट डेप्रिसिएट हुआ करेगा और लाइबिलिटी ग्रो कराते 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 हम कहां तक ले जाएंगे आखिरी साल 100 रुपए पे। फिलहाल किस पे सीड किस पे डाला है 44.4 पे, ये सीड हर साल फल देगा और करते 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 ये लाइबिलिटी 100 पे पहुंच जाएगी। आईएस आईएफआरएस 16 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 साथ मैं समरी खोलूंगा क्योंकि भाई जन एंटे हो जाए, आज से पहली दफा लेसी की कंप्लीट डिस्कशन होने लगी है। और जकम जनवरी 2020 के सवाल मैंने इसलिए आपको पढ़ाया था कि इनमें से रेट कौन सा चूज करना है, ये पढ़ाया था आपको। और जकम जनवरी 20 पास पेपर क्वेश्चन 12 है ये, आईएस आईएफआरएस 16 का पेज 131 ऑफ बुक। और जकम जनवरी 20 डिटोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय फॉर 3 years, लीज टर्म बता दें 3 साल। द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 35 million वाज पेड ऑन जकम जनवरी 20। जी पहली किस्त कब पे हो रही है? यकम जनवरी 20 को। $35 million की पे हो रही है यकम जनवरी 20 को, एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन यकम जनवरी, बाद में भी किराया एडवांस में पे होगा, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर, हर साल 10% इंक्रीज होके होगा। एक रफ सी वर्किंग करके मुझे बता दें, रफ सी वर्किंग, यकम जनवरी 20 को किराया 35, यकम जनवरी 21 को का लेटर पकड़े 38.5, और यकम जनवरी 22 को 38.5 को मल्टीप्लाई करें 110% से 42.4। The first annual installment is 35 million, which was paid on Yakam January 20, and all subsequent installments on Yakam January subject to increase of 10% each year. BL incurred IDC of 5 million. Lessee ने incur किया IDC of 5 million. इसको आपने ना schedule वगैरह में नहीं लेके जाना, right of use debit, cash credit. As a tohfa, lesser parent ने लीज एज एन इंसेंटिव, इंसेंटिव के तौर पे लेसर ने 2 रुपए रीइंबर्स कर दिए हैं, यानी 2 रुपए उसको दे दिए हैं। इस सफे पे नहीं लिखा हुआ कहीं, किसी को याद हो आईडीसी का क्या बताया था? आईडीसी का क्या बताया था इस सवाल में? आईडीसी करवाई थी मैंने, सॉरी वो लीज इंसेंटिव का, लीज इंसेंटिव का क्या बताया था किसी को याद हो? लेसर ने लेसी को कहा जिगर इधर आ, लेसी ने कहा हाजिर है जिगर तेरा, बता क्या चाहिए? कहते है, चाहिए कुछ नहीं, तुझे मैं 2 का तोहफा देना चाहता हूं। लोग 2000 के तोहफे दे रहे हैं, मैं तुझे 2 मिलियन का तोहफा देता हूं। मैं तुझे 2 मिलियन का क्या देना चाहता हूं मुझे बता दें? 35 रुपए पे करके आएगा, 33 रुपए पे करके आएगा। तो मैंने कहा था आपने पहले रेंटल में से इसको नेट कर लेने, खोया कितना 35, पाया कितना बन गया पराठा, तो खोया कितना पाया कितना 2,
तो पेपर में आपने लीज पेमेंट्स को ऐसे लेना है, 35 माइनस 2 33 हो गई, 33 जमा 38.5 42.4 डन हो गया। तो ये किसकी ट्रीटमेंट हमने रिवाइज कर ली, इंसेंटिव की। इंसेंटिव को लिखने क्या करना है, पहले रेंटल में एडजस्ट कर देना, लिखें पहले रेंटल में एडजस्ट कर देना, फौरन तोहफा दे दिया करेगा लेसर। लीज इंसेंटिव को असल में ना रिवाइज नहीं हुआ ज्यादा तो इस वजह से भूला हुआ है, लीज इंसेंटिव को पहले रेंटल में क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। अच्छा यहां पे रुक के बताएं, शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट है, या नॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे। लो वैल्यू तो कोई नहीं है, मशीन एसेट है तो लो वैल्यू नहीं है। अगला शॉर्ट टर्म नहीं है क्योंकि 3 साल की लीज है, तो इसलिए लेसी को नॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा अब क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया तो मैं ये सवाल पढ़ के फिर पार्ट 20 का शुरू कर रहा हूं। LLL ये कौन है? अच्छा एज एन इंसेंटिव, यो मैंने लेसर बोल दिया था, ये लेसी बोलना था मैंने, माधव भाई मैंने लेसी बोलना था, तो बताते आप DL एज एन इंसेंटिव टू लेसी, लेसी को पुश करने के लिए लेसर ने उसको 2 रुपए दिए, ठीक है? तो लेसी ने लेसर से 2 रुपए लिए तो लेसी खुश हो गया, ये लीज इंसेंटिव है, मैंने लेसर बोल दिया था माधव। लेसर का इंप्लिसिट रेट है 11% विच इज नॉट नोन टू लेसी, लेसी को तो पता ही नहीं है इसका रेट, अब क्या करेगा लेसी? हाँ ये बात मेरा नहीं खास समरी में लिखी हुई है, हाँ ये बात समरी मैंने लिखी हुई, तो ये बात वो जो आपको मैंने अपनी ट्रीज वाली समरी बना के दी थी उसमें लिखी हुई है, अगर लेसी को लेसर का रेट ना पता हो, अपना रेट नहीं अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा, लेकिन वो भी सवाल में गिवन नहीं है, तो डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी यूज वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन, तो मजबूरन फिर यही रेट हम यूज कर सकते हैं। वैसे असूली तौर पर लिखे यहां लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन होना चाहिए था, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन होना चाहिए था, नहीं है गिवन तो क्या करें? उसने कहा फिर अगर कोई आपको चीज नहीं गिवन तो सॉरी 12% में आपको दे रहा हूं, 11% क्यों नहीं लेसी यूज कर सकता? उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। अच्छा ये नहीं पेपर में कहना, हमें तो बताना उसे बताना जरूरी है। अच्छा ये लाइन मैं छोड़ रहा हूं, ये जरा लाइन पढ़ के बता दें, DL इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड, लेसी इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू इनकर डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एट द एंड ऑफ, ये 4 मिलियन को आपने शेड्यूल वगैरह में कहीं नहीं फिट करना, ये अलग से रखना है, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, ROU डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, 4 मिलियन से या 4 मिलियन की पीवी से, 4 मिलियन की पीवी से। और यही सवाल लेसी वाला हम किसके एंगल से करेंगे, लेसर के एंगल से करेंगे। चलो ठीक है जी, होमवर्क में आप कौन सा सवाल बन जाएगा, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नंबर 11 क्लोज करो यार, नया कार्ड लेके आओ।